सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये वीडियो जो है मैं अपने कॉलेज की छत से शेयर कर रहा हूँ आज। और मौसम देखिए आप लोग, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सी बातों के ऊपर। ख़ासतौर पर जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोगों के बाकी बचे हुए पेपर्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा संक्षेप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के ऊपर हमारा मुख्य फोकस रहेगा, जो मेन फोकस है हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के ऊपर रहेगा। फाइनल ईयर के कुछ प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, ख़ासतौर पर जैसे इकोनॉमिक्स की फाइल कल जमा होगी तो उसको लेकर के अपडेट है, तो वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे फाइल जमा करानी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा वीडियो है, और चूंकि नेचुरल साइट से बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे पता नहीं कि आप लोग इसको लाइक करेंगे या नहीं, लेकिन कॉलेज का व्यू यदि आप देख पाओगे तो हमारी कॉलेज की जो बिल्कुल ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक रूप से ये कॉलेज कितना समृद्ध है, प्राकृतिक उसमें देखोगे तो कितना नेचुरल जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं अपने महाविद्यालय की, वो आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए कल जो है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में इकोनॉमिक्स के बच्चों की, फाइनल वाले बच्चों की जो है फाइल जमा होगी, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे चाहे बीए के हो चाहे बीएससी के हों, मैं आपको बता दूं कि बेटा फर्स्ट ईयर और जितने भी बच्चे हैं आप लोग, चाहे कितने भी कहीं से भी आप लोग हों, उनको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आप लोग जो है कोशिश ये करें कि अभी अपनी फाइल बना करके रखें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे। और आप लोगों की फ़ाइल जब भी जमा होगी मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल के माध्यम से आऊँगा और शेयर करूँगा। अभी आप लोगों की तिथि नहीं आई है, उसमें कम से कम 15-20 दिन का समय है, तब तक आप लोग अपनी फाइल बना लें। जिस भी कॉलेज में आप हो अपने कॉलेज में जा करके पता कर लें कि आपकी जो फाइल है कब बनेगी, कब जमा होगी, वो कॉलेज के स्तर का काम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सा एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए अभी जब पेपर चल रहे हैं तो आप लोगों को पेपर के पैटर्न के ऊपर कुछ डाउट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कैसे लगाएं आप खुद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेकर के भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाओगे खुद अपने हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी पेपर में, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, आप कोई भी दो यूनिट जो है सेलेक्ट कर लीजिए और उन दो यूनिट को आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। यदि आप दो यूनिट पूरी पढ़ लोगे तो आप लोग यकीन मानिए कि उन दो यूनिट में से आपका जो पेपर है उसकी मैक्सिमम बातें जो है आप लोगों के समझ में आ जाएंगी, आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि बेटा अभी जो फ़िलहाल सीन बन रहा है हमारा, वो ये है कि यदि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर वाले हों, उन बच्चों को अभी ये करना ही है। और नवीनीकरण वाले जो बच्चे हैं, यानी जिन स्टूडेंट्स को अभी जिनका नवीनीकरण हुआ है, नवीनीकरण का मतलब यह है जो फर्स्ट ईयर में रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनके लिए, और जो सेकंड ईयर में रेगुलर स्टूडेंट थे उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जिनको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाना है, उन लोगों की जो फीस है वो जमा होना प्रारंभ हो गई है। फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर वालों, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की सेकेंड ईयर की फ़ीस, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों की जो है फाइनल की फ़ीस, ये आपका अस्थाई से प्रमोशन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन चूंकि ये नवीनीकरण की प्रक्रिया हर साल होती है तो आप लोग तय मान के चलें कि ये नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है कंटिन्यूएशन में चल रही है, और आप लोगों को ये काम कर लेना चाहिए, फ़ीस जमा करा देनी चाहिए। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं बता दूँ कि फर्स्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसमें अभी टाइम लगेगा, लगभग फर्स्ट ईयर के कट ऑफ के लिए सूचना ये है कि फर्स्ट ईयर का कट ऑफ मेरे हिसाब से 25 के बाद आएगा। हालांकि आप लोग अभी इसको निश्चिंत नहीं माने, अभी 16 तारीख जो है आखिरी तिथि है, और चूंकि सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है तो ये आखिरी तिथि जो है निश्चित तौर पर परिवर्तित होगी, इसमें परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो, चूंकि आज कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्टिक नहीं है, मैं अपने हाथ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो
इतनी देर तक फ़ोन को हाथ में थाम के रखना और रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए पहला अनुभव है, असहजता महसूस हो रही है। अपेक्षा ये करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे और देखोगे इसको। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और यदि आपको चैनल के साथ जुड़ना है तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर किया हुआ है। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।